हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th एक्सरसाइज 8.4 का। ठीक है, तो 5th का 6th वाला मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बताई थी उसमें ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है इक्वल्स टू सेग है प्लस टेन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी करते हो आप, ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं वो याद होना चाहिए, और जो रेशनलाइजिंग होता है फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर वो भी आपको आना चाहिए। इस वो क्या होता है, इन क्वेश्चंस में यूजफुल रहते हैं। ठीक है, उनका यूज़ होता है इन क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में जो आपके साइन के क्वेश्चंस हैं, साइन कॉस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें। ओके, तो देखो ये वाला क्वेश्चन है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है इक्वल्स टू सेग है प्लस टेन है। ओके, तो देखिए जो यहाँ पे है 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है अंडर रूट में, है ना। तो सबसे पहले क्या चाहिए, हमें इसे रूट हटाना है ना, हमें ये प्रूफ करना है कि ये इक्वल है इसके। इसे हम कहते हैं LHS, है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा दिया हुआ है, और ये राइट हैंड साइड पे, ठीक है, ये है RHS और ये है LHS। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये LHS है ये इसके इक्वल है। ओके, हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये LHS है ये इसके इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो ये है ये क्या है, ये बिना अंडर रूट के, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका अंडर रूट हटाना है, जो ये है इसका अंडर रूट हटाना है। तो अब हम अंडर रूट हटाने के लिए क्या करें, तो अंडर रूट हटाने के लिए हम करते हैं रेशनलाइजिंग। ठीक है, जैसे कि इसका साइन माइनस है तो इसके अपोजिट साइन से, ठीक है, अपोजिट साइन से हम क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग करेंगे। अब देखिए कैसे, आपको पता ही होगा रेशनलाइजिंग कैसे करते हैं। तो हम लिखेंगे ऑन रेशनलाइजिंग, रेशनलाइजिंग है ना, देखिए 1 माइनस साइन है तो मैंने क्या बताया, अपोजिट साइन से, ठीक है, ये जो 1 है और साइन है ऐसा का ऐसे रहेगा और अपोजिट साइन हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए। ओके, ये हम रेशनलाइजिंग करेंगे, और कहाँ पे करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में, है ना। ऑन रेशनलाइजिंग 1 प्लस साइन ए ऑन द न्यूमरेटर, ओके, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर, ओके। तो चलिए कर देते हैं, तो कुछ ऐसा आएगा अंडर रूट में प्लस साइन ए अपॉन, है ना, थोड़ा अच्छे से, माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये स्क्वायर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब यहाँ से 1 प्लस साइन है इनटू करेंगे, जैसे बताया जाता हूँ स्क्वायर को, से 1 प्लस साइन ए, ठीक है, जो 1 प्लस साइन है ये ऊपर नीचे इनटू करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए जो 1 प्लस साइन है इक्वल्स टू 1 प्लस साइन है, तो हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस साइन ए क्या है, दो बार है, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ओके, ये क्या है, 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, ठीक है, तो एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो वही हम लगा देंगे यहाँ पे, तो कुछ ऐसा आएगा 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होता है, और साइन ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, और अंडर रूट ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, वीडियो जब स्टार्ट हुई थी तभी बात कही थी कि आपको जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वो इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है वो काय के इक्वल होता है, वो इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ओके, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखो ये भी देखिए
ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर है, तो क्या मैं स्क्वायर को अलग निकाल दूँ? है ना, स्क्वायर को अगर मैं हब से अलग निकाल दूंगा तो क्या स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा? ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो अंडर रूट है वो हमारा हट जाएगा, है ना, ऐसी ट्रिक होती है। तो ये अंडर रूट है और मैंने लिख दिया 1 प्लस साइन a का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कॉस ए का भी स्क्वायर, है ना, स्क्वायर पूरे का स्क्वायर है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a का स्क्वायर। सो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a। ओके, हमारे पास कुछ ऐसा जाएगा। अब इसके आगे हमारे पास अंडर रूट तो हट गया, अब हमें सेग ए प्लस टेन ए लाना है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ अगर हम करें तो हमारा आंसर सेग ए प्लस टेन ए आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर ये कोस ए को मैं सेपरेट कर दूँ, है ना, कोस ए को अगर मैं सेपरेट कर दूँ, देखिए कैसे, है ना, ऑन सेपरेटिंग कोस ए ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, मैंने कोस ए को क्या करा, सेपरेट कर दिया, वन के साथ भी कोस ए लिखेंगे और साइन ए के साथ भी कोस ए लिखेंगे, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है जब हमें कुछ क्वेश्चन की, तो देखो अगर मैंने कोस ए को सेपरेट कर दिया बोथ साइड्स, यानी कि 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है, सो 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेगे होता है। ओके, तो क्या मैं सेगे लिख दूँ, बिल्कुल लिख देता हूँ। और देखिए साइन ए अपॉन कोस ए जो होता है वो होता है टेन ए, ओके, और यही तो हमें प्रूफ करना था, सेगे प्लस।